अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा और थंबनेल पढ़ के शायद आपको मैं थोड़ा बहुत पेसिमिस्टिक भी लगूं या ये लगूं कि बंदा नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि बैचलर्स यूके में करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी वजह ये है, 3 साल का बैचलर है और अगर आपका फाउंडेशन ईयर भी हो तो वो फिर 4 साल बन जाता है। तो 4 साल में अगर आपको एवरेज भी निकाल दे 12-13 हज़ार पाउंड फीस है तो ये करीब 50,000 पाउंड बन जाते हैं। तो 50,000 पाउंड से पाकिस्तानी कितने आते हैं? तकरीबन 1,70,00,000 से भी ऊपर आते हैं। यानी नियरली 2 करोड़ में आपको बैचलर पड़ता है भाई, तो 2 करोड़ में कौन डिग्री लेता है? दूसरी बात ये कि इतनी फ़ीस और इतनी मेहनत करना और 3-4 साल तक ये फीसें निकालना और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक ब्रो, ये लिटरली आपको बहुत ज़्यादा थकाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप आराम से अगर अपनी कंट्री में अपने ही सिटी में किसी अच्छी सी इंस्टीट्यूट से आप यूनिवर्सिटी से आप बैचलर्स कर ले तो वो बेनिफिशियल है और आप फिर मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ जाए, क्योंकि 1 साल तक के लिए बंदा फिर 1 साल का मास्टर होता है यहाँ पे। और अगर वेकेशंस निकालो तो 8-9 महीने मेहनत होती है, तो आपने सिर्फ 8-9 महीने ही मेहनत करनी है और उसके बाद जो है आपको डिग्री मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद आप आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ करें कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बताना था, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।